Om Sai Ram, everyone. I welcome you all to SRK's exclusive cord cutting workshop. One day workshop hai aur jitne bhi log occult science se associated hai, I think un sab ke liye blessing hai ye workshop. Kyunki hum sab kafi research karte hain aur karni bhi chahiye agar is field mein hai to. But kya hai na ki clients ki negativity hamare upar aati hai ya fir unki problem se हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं, कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं हमारे. एक्चुअली ये कॉर्ड्स होते क्या हैं, ये कैसे कनेक्ट होते हैं, इनको रिमूव कैसे करना है, तो एक प्रॉपर रिचुअल फॉलो करा जाता है ये सब इस पूरे प्रोसेस के लिए, जिसको हम लोग अभी सीखने वाले हैं. जो हम ऑल दोज हु आर इन ऑकल्ट साइंस और नहीं है तो भी आप लोग ये रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो टू कनेक्ट अननेसेसरी कॉर्ड्स, इविल आईज ऑफ पीपल हु लाइक्स यू इवन और हु डोंट लाइक यू, वो तो है ही है. तो आज इसको डिटेल में समझेंगे हम लोग. बट उससे पहले बात करेंगे हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो चक्र अलाइनमेंट में थे और उनको तो कॉम्प्लीमेंट्री मिली है ये वर्कशॉप. तो कैसी रही उनकी ये वर्कशॉप हमारे साथ चक्र अलाइनमेंट की, इस बारे में बात करते हैं. और कल सोमवती अमावस्या है, वट सावित्री व्रत है एंड शनि जयंती है. तो एक महा जिसे कहते हैं योग फॉर्म हो रहा है कल. तो क्या आप लोग रेमेडी कर सकते हो? मेरे इंस्टा पेज पे आप देख रहे हो बैक टू बैक आई एम शेयरिंग रेमेडीज टू हेल्प आउट यू पीपल. और कल एक बहुत ही अच्छी रेमेडी और शेयर होने वाली है, लेकिन आज भी मैं कुछ टिप्स दूंगी आप लोगों को एज अ ब्लेसिंग. बट हम जब तक सब ज्वाइन कर ले, बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से. प्रणाम अनिल जी, अनम्यूट करिए. प्रणाम संध्या जी. साधना, सॉरी साधना जी. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर द चक्र अलाइनमेंट वर्कशॉप? इट वाज मार्वेलस मैम, प्रैक्टिस की जरूरत है, रिजल्ट आ जाए. अनिल जी का आई थिंक नेटवर्क चाहेंगे तो और ज्यादा बेटर लगेगा, बस प्रैक्टिस हो. राइट. प्रैक्टिस तो सर हर एक फील्ड में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड आई होप आपकी कुछ हेल्प हुई होगी कुछ चक्र अलाइनमेंट में, बिकॉज आप काफी ज्यादा होप्स लेकर आए थे हमारे पास. जी मैम, अभी कोशिश हो रही है, रिजल्ट्स आ जाएंगे समय से, रिजल्ट आ जाएंगे. ऑल ऑफ अ सडन तो कुछ होगा नहीं, अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए ना, अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा. मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि मेरे को आपको अपना मेरी जन्म पत्री दिखानी थी मैंने आपको. क्या वो रिक्वेस्ट थी मेरी जन्म पत्री देखने? अच्छा, के लिए आपने मेरे को प्रॉमिस किया था. या आई रिमेम्बर आपको कंसल्टेशन चाहिए थी. डेफिनेटली. वो कैसे होगा मैम? सर आप कनेक्ट कर लेना, आपको प्रोसीजर बता देगी टीम. ठीक है, मैं आप एडेड हो ना, आप उन नंबर्स पे कॉल कर लेना. जी मैम, एडमिन नंबर्स जो है. Right. All the best. God bless you. Thank you, ma'am. चलिए तो next हम बात करते हैं. आशिमा जी, unmute yourself. Videos on कर लीजिए आप लोग please, if possible. Om Sai Ram ma'am. Sai Ram आशिमा जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया मैम, आप अपनी सुनाइए. All good. जी, हाउ वाज दी चक्रा वर्कशॉप? और अभी तो आप न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हो. बिल्कुल मैम. तो क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? मैम अभी तो वर्क कर रहे हैं, पर पॉजिटिव रिजल्ट बहुत मिल रहे हैं. जैसे जैसे हम वर्क करते जा रहे हैं वैसे वैसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते जा रहे हैं. अभी जिस दिन मैं नहीं करती उस दिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलते मैम. अभी तो मैम कंटिन्यू है. कौन सी चक्र मैम? रूट चक्र. अभी तो रूट चक्र पे अटकी हुई हूँ मैम, वही बहुत दिक्कत दे रहे हैं. अरे वाह. नहीं, बिल्कुल रूट चक्रा खुलेगा ना, बिकॉज नीचे से ही ऊपर जाती हैं सारी हीलिंग्स, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. और सैक्रल पे भी साथ साथ कर रही हूँ मैम, क्योंकि मुझे बताया था प्रॉब्लम थी तो बस ठीक है. ओके ओके, चलिए. गॉड ब्लेस यू आशिमा जी. थैंक्स मैम. चलिए, एनीवन एल्स इफ वांट टू से एनीथिंग हैंड रेज कर लीजिएगा, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास. कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हो आप लोग क्लास से पहले. प्रिया जी का
हैंड रेज हुआ। यस प्रिया जी, ओम साई राम। डॉक्टर मैडम कैसी हैं हमारी? मैम आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। कैसी चल रही है लाइफ? न्यूमरोलॉजी कैसी चल रही है? मैम अभी न्यूमरोलॉजी पे थोड़ा फोकस कम है, पर उसके भी मतलब जो क्लोज वंस है ना अभी तो सिर्फ उनको दे रही हूँ, बट जो मेरा प्रोफेशन था ना एडवोकेट वाला उसमें मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, डिलेज नहीं हो रहे, मैं सारी रेमेडीज करी जा रही हूँ। अरे वाह, ग्रेट। और जो फेस हो रहे थे तो उसमें भी मैंने अपने अंतरदशा महादशा उस सबके अकॉर्डिंग जो करे तो उससे मेरे हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो गए। वाओ दैट्स ग्रेट। और आपने जो नया स्टार्टअप देना था अपने करियर को, वो हुआ कि नहीं? हाँ जी, वो मतलब सिर्फ एक्चुअली क्या हुआ ना कि इस मंथ एक्लिप्सेस आ गए तो इस महीने फिर मैंने स्टार्ट नहीं करा, बट मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली। अब मैं मरकरी रेट्रोग्रेड खत्म होने के बाद बस कर दूंगी। मरकरी रेट्रोग्रेड टेस्ट है तो इस मैं मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से रुक गई। चलो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चलिए तो प्रोसीड करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं कुछ विच यू टोल्ड शेयर वी कैन डोनेट दैट टुडे आल्सो, राइट राधिका जी? यस टुडे आल्सो कर सकते हो, अदरवाइज टुमारो तो ज्यादा ऑस्पिशियस है ही। अच्छा डोनेशन से मुझे एक बात और याद आई कि डोनेशन में आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। देखो कल का दिन ऑस्पिशियस क्यों है, वैसे तो अमावस्या एवरी मंथ आती है, ऐसा नहीं है कि पहली बार अमावस्या आ रही है साल में, लेकिन कल क्योंकि तीन योग एक साथ बन रहे हैं इस अमावस्या पे, तो एक चीज और मैं आप लोगों को एड ऑन करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि जो आप लोगों को डोनेट करना चाहिए एक्सेप्ट दोज हु हैव देयर मून्स इन 6-8-12 हाउसेस या फिर मल्टीपल 2 है उनके चार्ट्स में, उनके अलावा everyone has to do this, I think they should do this because I myself will be doing this। आप लोगों को कल कुछ ब्लैक लिक्विड डोनेट करना चाहिए, जैसे मैं कोक डोनेट करूंगी, पेप्सी कोक, थम्स अप, कुछ भी आप लोग डोनेट कर सकते हो। ठंडी ठंडी गर्मियां भी चल रही हैं, क्योंकि अपनी मेट्स को जरूर दीजिए कल, अपने स्वीपर को जरूर दीजिए कल, जितने लोगों को पिला सकते हैं, बिकॉज मंडे भी है तो लिक्विड डोनेशन इज ऑस्पिशियस और समथिंग ब्लैक विल बी देयर, तो ऐसा आप जरूर करिएगा कल। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, बिकॉज गाय गौ माता को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हमारा कुछ भी ओकेजन हो, तो कल आपको काओ को वाटरमेलन और खरबूजा, मेलन जिसको बोलते हैं, वो जरूर खिलाना है। चाहे आप किसी को कुछ डोनेट करें ना करें, लेकिन गौ माता को जरूर आपको कल खिलाना है वाटरमेलन एंड मेलन या क्यूकम्बर, जितनी भी समर की वेजिटेबल या फ्रूट्स हैं वो आप जरूर खिलाइए गौ काओ को, बिकॉज सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स तो उन्हीं से मिलती है हमको, तो एक ये जरूर करिएगा कल। उसके अलावा तो मैंने बताया ही है कि आपको एक नारियल, शीशा, मस्टर्ड ऑयल और चाय पत्ती या ब्लैक दाल 400 ग्राम मां साबुत दाल जो होती है हमारी, वो आप जरूर कल डोनेट करिए। देखिए ऐसा नहीं है कि जिनके चार्ट में सिर्फ कालसर्प दोष है वही करें या फिर शनि राहु केतु वाले करें, आई थिंक ये सबके लिए अच्छा रहेगा करना, क्योंकि जब अमावस आती है तो हमें ना भी पता हो कि हमारी राहु की दशा चल रही है नहीं चल रही, ट्रांजिट में कहीं ना कहीं दृष्टि डाल रहे होते हैं वो हमारे लग्नेश पर या दशा लॉर्ड पर, तो डोनेशंस आर ऑलवेज कंसिडर्ड अ वैदिक रेमेडी, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और ऑस्पिशियस रहती है ये चीज करनी। उसके अलावा एक आप लोगों को ईविल आई या ब्लॉकेज रिमूवल थ्रेड बताने जा रही हूँ मैं अभी, जो आप लोगों को कल बनाना है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग ये, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो आप लोगों को मिलेगी तब भी आप लोग सुन सकते हो। आपको क्या करना है, एक ब्लैक कलर का थ्रेड लेके आइएगा लंबा सा, वो थ्रेड आपको कल वेस्ट डायरेक्शन में रखना है पूरा दिन, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में रखिएगा उसको। मॉर्निंग में ही एक मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाना है वहां आपको, 15 से 20 मिनट ही वो दिया जले, मेक श्योर पूरा दिन नहीं जलना चाहिए, बिकॉज वो फायरी डायरेक्शन नहीं है। जो भी अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में कुछ अगर फायरी एक्टिविटी करते हैं, कोई दिया भी जलाना है या कोई भी आप रेमेडी कर रहे हो जिसमें फायर इन्वॉल्व है, लेट मी टेल यू आपको 15-20 मिनट से ऊपर वहां नहीं जलानी, क्योंकि वो फायरी डायरेक्शन नहीं है, वहां पे फायर ज्यादा देर नहीं जलनी चाहिए, ओके? तो 15-20 मिनट आप एक मस्टर्ड ऑयल का दिया वहां पे जलाइएगा। मस्टर्ड ऑयल का दिया जो वहां पे जलेगा वो अर्दन पॉट वाला दिया होना चाहिए, यानी कि मिट्टी के बर्तन वाला, ठीक है, एक मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाना है आपने वहां पर, और आपको उस ब्लैक थ्रेड को वहां पे रखना है, एंड देन यू हैव टू चैंट वन माला ऑफ शनि बीज मंत्र विच इज ओम प्राम प्रीम प्रोम सह
शनिश्चराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, वट एवर इज कम्फर्टेबल, आप ये एक माला करेंगे और उसके बाद आप लोग उस ब्लैक थ्रेड में आपको 8 नॉट्स लगाने हैं, दूर दूर 8 नॉट्स, और वो 8 नॉट्स लगाते हुए आपको ये बोलना है, जैसे हर एक नॉट में आपको एक एफर्मेशन बोलनी है अपने लिए, जो एफर्मेशन आपको आज सिखाएंगे हम लोग, या तो आप वो बोल सकते हो, अदरवाइज यू कैन से गिव ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स की थैंक यू गॉड फॉर दिस लाइफ, आई कैन अट्रैक्ट मनी इजिली, आई एम बॉर्न टू बी रिच, एवरी पेनी आई स्पेंड कम बैक टू मी 3 times, कुछ मनी एफर्मेशन बोल सकते हो, या अगर आपकी लाइफ की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आप ये बोल सकते हो कि मेरी ये लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कि जैसे मैंने घर ले लिया, मुझे रिलेशनशिप इश्यूज नहीं है, मेरी जॉब लग गई, मेरा नया बिजनेस सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया. यू हैव टू से इट इन प्रेजेंट टेंस कि वो हो गया. 8 times नॉट बांधते हुए आपको ये विशेस बोलनी है. यू कैन से 1 wish ऑल्सो, यू कैन से 8 wishes, मतलब एफर्मेशन. विश तो एक ही होनी चाहिए, अगर कोई आपकी एक पर्टिकुलर विश है तो वो एक ही बार बोलिए, और विश नहीं है कोई पर्टिकुलर आप नॉर्मली बोलना चाहते हो तो आप एफर्मेशन बोल सकते हो, एनी 8 affirmations. अभी आज आप लोगों को सिखाई भी जाएंगी, सिद्धिया मैम भी बताएंगी, तो वो आप लोग करेंगे और फिर आप इसको पूरा दिन वहीं पे पड़े रहन दीजिएगा, उस वेस्ट डायरेक्शन में ही वहीं पड़े रहन दीजिएगा. उसके बाद नाइट में आपको आफ्टर सनसेट शनि की होरा में, या फिर आफ्टर सनसेट आप कभी भी कर सकते हो बिकॉज शनि इज अ मैग्निफिक प्लैनेट, तो नाइट में एक्टिव होते हैं, आप उस थ्रेड को एक बार फिर से आपने 11 बार या 21 बार आपने फिर से वो मंत्रा बोलना है और एक शनि देव जी की आरती करनी है, जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी वाली जो आरती है वो बोलनी है, मस्टर्ड ऑयल का दिया फिर से लाइट करना है, आरती करनी है शनि देव की. जरूरी नहीं आपने वहां कोई मूर्ति रखनी है या कुछ रखना है, आपने जस्ट आरती बोलनी है बिकॉज वेस्ट शनि की ही डायरेक्शन है और वेस्ट इज ऑल्सो अ डायरेक्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन, प्राप्तियों का जोन है ये, कि हमें हमारे काम के कितने प्रॉफिट्स होंगे, कितनी प्राप्तियां होंगी, तो वहां पर आपको ये रेमेडी करनी है. और उसके बाद आपको इस थ्रेड को, या तो अगर आप गले में वेयर कर सकते हो बिकॉज काफी लोग ब्लैक थ्रेड गले में वेयर नहीं करते, तो गले में वेयर कर सकते हो, कोई लॉकेट आपने वेयर किया हुआ है, आपने कोई मणि वेयर की हुई है उसमें भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको अपने एंकल पे बांध लोगे इस थ्रेड को, ठीक है. और ये हर अमावस्या आपको रिपीट करनी है रेमेडी, आपको थ्रेड चेंज कर लेना है नेक्स्ट अमावस्या पे, क्योंकि जो ये ब्लैक थ्रेड होता है ना, ये नेगेटिविटी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो आपको इस थ्रेड को चेंज कर लेना है नेक्स्ट अमावस्या पे. फिर से ये सेम प्रोसीजर, सेम रिचुअल फॉलो करना है और इस थ्रेड को चेंज कर लेना. आप देखोगे धीरे धीरे जो आपने विशेस बोली है ना वो कम होती जाएंगी और वो एफर्मेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी. जब विशेस हमारी सारी कंप्लीट हो जाती है ना, तो सिर्फ हमारे पास एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड रह जाता है देना. तो धीरे 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 ऐसे आपकी लाइफ चेंज होगी और आप देखोगे आपकी विशेस पूरी होती जा रही है, आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी, इविल आई रिमूव होगी. तो ये बहुत अच्छी रामबाण उपाय है ऑन द डे ऑफ अमावस्या. वैसे तो मेरा मन था आज मैं एक फ्री वर्कशॉप दूं आप लोगों को, क्योंकि शनि से बहुत ज्यादा डिलेज रहते हैं, बट आज टाइम मिला नहीं क्योंकि ये वर्कशॉप भी करनी थी, बट चलिए मैंने कहा यहाँ पर ही दे दी जाए, लोग हमारे साथ कनेक्टेड है सर के साथ. यस दीपक जी, ओम साई राम. हां ओम साई राम, नमस्ते. आप दोनों ने सेम ड्रेस पहनी, आपकी मेरी सेम हो ही जाती है ट्रेनिंग. मैम मैं ये पूछ रहा था मैम, एक्चुअली जैसे कुछ लोग सुनते हैं कहते हैं कि जो एक डिजिट होती है परफेक्ट की, आपको 8, जैसे आपने बताया कोक हमें डोनेट कर दिया है जो भी है, पर कहते हैं कि 8 नंबर का जूता दान करना या 8 कोक दान करनी, जो भी होता है बोतल या 8 तेल की बोतल हो गई जो भी, तो हम ये मैटर करती है या हम अपनी श्रद्धा से कितने भी हो दान कर सकते हैं? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर ऑफ होनी चाहिए, जितना आपका मन है, जितना आपका बजट है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है उतना आप कर सकते हैं, ठीक है दीपक जी. चलिए अभी आप अनम्यूट हो गए हो तो आप सबको एक क्रोनोलॉजी का फीडबैक दीजिए, कैसी गई आपकी क्लास हमारे साथ. मैम क्लास में कोई चखेगा तभी तो टेस्ट आएगा, बिना चखे कैसे टेस्ट आएगा? तो आप अपना फीडबैक तो दीजिए सबको, आप तो चख चुके हो. हाँ मैं चख चुका, मैं तो खा चुका मैम, उसकी भी तो भूख शांत नहीं हुई मेरी मुझे तो और लेना है वो.
मैम एक्चुअली आपका सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि आपसे कितना भी क्वेश्चन पूछो आपके चेहरे पे शिकन नहीं आती, और आप दूसरों को अप्रिशिएट भी करते हैं। कोई स्टूडेंट अपनी रिसर्च रखता है या अपना कुछ नॉलेज शेयर करता है तो आप कभी ये नहीं सोचती कि मैं यहाँ पे ऑनर हूँ, मुझे बताना है, तुम क्यों बता रहे हो। आप में वो बात नहीं है, आप में वो ईगो नहीं है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप अप्रिशिएट करते कि हाँ और सीखा, आपने सीखा, मैं शेयर कर रही हूँ, आप भी शेयर करो, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये मोटिवेट करता है। मैंने और भी जगह जैसे मैं क्लास लेता हूँ, मैं कुछ अपनी शेयर करता हूँ तो उनके वो ऐसे हो जाता है ये क्यों बोल रहा है, अरे बोल कैसे गया। तो आप में मैंने वो चीज नहीं देखी, इसलिए मैं आज इसलिए मैम कॉर्ड कटिंग मैम मेरे लिए सब्जेक्ट ऐसा है कि मुझे इतना वो नहीं है। आपसे मिलने का बहाना चाहिए था, आपसे बात करने का बहाना चाहिए था, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। थैंक यू सो मच दीपक जी, चलिए गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम बबीता जी। ओम साई राम मैम, कैसे हो बबीता जी? आवाज नहीं आ रही बबीता जी आपकी। एकदम बढ़िया बबीता जी, आवाज नहीं आ रही। बबीता जी आप ना वीडियो बंद करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो जी बबीता जी, हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो